नमस्कार आदाब और न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम धावले, जो कि एडवा की जनरल सेक्रेटरी हैं। एडवा यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेंस एसोसिएशन पिछले कई सालों से इस देश की औरतों के हकों के लिए संघर्ष करता आ रहा है और इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एडवा ने सेप्टेम्बर में एक ऑल इंडिया वुमेंस प्रोटेस्ट रैली का कॉल दिया है। ये रैली मजदूर किसान संघर्ष रैली के एक दिन पहले होगी और इस बार हम देखेंगे कि मजदूर किसान और दलितों के साथ औरतें भी अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरेंगी। तो इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हम मरियम के पास चलते हैं। मरियम, पहला सवाल आपसे ये है कि इस धरने की, इस प्रोटेस्ट की मुख्य मांगे क्या हैं? जनवादी महिला समिति पूरे मुल्क के अंदर लगातार राज्यों के अंदर संघर्ष करती आ रही है तीन चार मुख्य मुद्दों के ऊपर। एक तो है जो बढ़ती हुई हिंसा, हिंसा इतनी बड़ी पैमाने पे बढ़ गई है और उसके ऊपर कोई पहलकदमी नहीं हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले ये पूरी जो कल्चर, ये मॉब वायलेंस का जो कल्चर पनप रहा है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। बहुत सख्ती से सरकार ने उसके ऊपर पहलकदमी करने की ज़रूरत है। जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है और महिलाएं का बड़े पैमाने पे ये टारगेट हो रहे हैं। फिर दूसरा है कि जो गुनहगार है उनको संरक्षण देना बंद करना चाहिए। सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और अभी जो रूलिंग पार्टी है और उनके जो नुमाइंदे हैं, जिस तरह से उनका संरक्षण दे रहे हैं, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। तीसरी बात है जो जवान लड़कियां अपनी खुद की पसंद जो जाहिर कर रही है, आज उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे ये मॉरल पुलिसिंग हो या ऑनर किलिंग हो, ये अटैक्स बढ़ रहे हैं। ऑनर किलिंग के मुद्दे के ऊपर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन लगातार कैंपेन करती आ रही है कि उसके बारे में कानून हो, लेकिन कानून अब तक नहीं बना है। हमने सिग्नेचर कैंपेन किए हैं, पेटिशंस किए हैं, क्योंकि ऑनर किलिंग की जो क्राइम है, जो गुनाह है, वो सिर्फ आम गुनाह के जैसा नहीं है। उसके अंदर जात और धर्म और पैसे वाले, गांव सब जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए कानून होना चाहिए। और फिर अभी जो मौजूदा कानून है उसकी अमल बहुत कड़क तरह से हो और गुनहगारों को सज़ा हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, सज़ा की बात है जो नहीं हो रही है, और जो पीड़ित है उनका पुनर्वसन की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। ये मुख्य मांग होगा हिंसा के बारे में। फिर अनाज के बारे में, आज आप देख रहे हो कि भूखमरी से बहुत लोग मर रहे हैं, और ये इसलिए है क्योंकि एक जगह पर अनाज इतना महंगा हो गया है और दूसरी जगह पर राशन में आज कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, आधार का लिंक होने के बाद और बायोमेट्रिक होने के बाद ये और भी खराब परिस्थिति हो गई है। तो ये आधार और बायोमेट्रिक का लिंकेज बंद किया जाए, पीडीएस का जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन हो, उसका सार्वत्रिकीकरण हो, और सभी गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शन, जो पीड़ित है, जो मजदूर वर्ग है, किसान है, खेत मजदूर है, महिलाएँ हैं, उनको मिलना चाहिए अनाज। तो ये बात है। और एम्प्लॉयमेंट, जो राइट टू वर्क, औरतों का काम का अधिकार, इसके ऊपर ही हमला हो रहा है आजकल। क्योंकि आज आप देखिए, वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो औरतों का है वो आज़ादी के बाद सबसे कम है। इसका मतलब है औरतों के हाथों को काम नहीं मिल रहा है, जैसे आम लोगों को नहीं मिल रहा है, उसमें औरतों को तो और भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो काम का अधिकार जो है, और जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट सरकार ने पास करनी चाहिए, और रूरल गारंटी एक्ट जो है उसकी अमल ठीक तरह से होनी चाहिए। आज काम नहीं मिल रहा है, उसके कटौती में हुआ है बजट के अंदर, तो काम नहीं मिल रहा है, और काम दिया तो उसके बाद में दो दो साल तक उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। तो जो पर्पस है ये एक्ट का, कि लोगों कुछ हद तक अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ मौका मिले, वही पर्पस उसका खत्म हो जाता है अगर आप वक्त पे वेतन नहीं दे रहे हो, काम नहीं दे रहे हो। तो ये मुख्य मांगे हैं हमारी 4 सितंबर की रैली की। औरतों के खिलाफ हिंसा की आपने बात करी, तो औरतों की सुरक्षा जो है वो बीजेपी के 2014 के एजेंडे का एक अहम हिस्सा था, एक मेन पॉइंट था। उसमें आपको क्या, हमने पिछले 4 साल में क्या देखा है, क्या उसमें कुछ हमें सुधार दिखा है, क्या पता चलता है इसमें? नहीं, बीजेपी ने तो 2-3 बहुत स्लोगन्स दिए थे। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बात कही, फिर कहा बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार
यू नो मोदी सरकार, लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी सरकार आने के बाद आप स्टेटिस्टिक देखोगे तो बहुत बड़े पैमाने पे औरतों के ऊपर और बच्चियों के ऊपर हिंसाचार बढ़ गया है और ये लगातार होते जा रहा है. और अभी माहौल इस तरह से बन गया है कि औरतों के ऊपर हिंसा करना ये एक आम चीज़ हो गई है. और गुनहगार मतलब जो पीड़ित औरत पुलिस स्टेशन जाती है उसकी केस नहीं ली जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है जब तक औरतें प्रोटेस्ट न करें. आप देखो उन्नाव के अंदर क्या हुआ, एक साल से वो लड़की लड़ रही थी और जब तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जब तक लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तब तक कुछ हुआ नहीं. अब उसके बाद में पहलकदमी हुई. अभी अभी कुछ आंकड़े हमें मिले हैं कि हर 15 मिनट में एक बच्ची के ऊपर एक लैंगिक हिंसा होती है हमारे मुल्क के अंदर. 75,000 केस 2016 में रजिस्टर हुए हैं लड़कियों, छोटी बच्चियों और औरतों के ऊपर बलात्कार की. 82% बलात्कार की संख्या 2015 से 2016 में बढ़ गई है. तो इतने बड़े पैमाने पे हिंसा बढ़ने की वजह ये है, एक कि सरकार की तरफ से जिस तरह से औरतों के तरफ देखा जाता है और जो गुनहगार है उनको जिस तरह से संरक्षण दिया जाता है, तो इससे एक माहौल बन गया है हिंसा का. अभी 2002 साल से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से कोई आंकड़े ही नहीं है. ये एक नया तरीका सरकार ने निकाला है कि हिंसा इतनी बढ़ गई है तो आप आंकड़े ही मत दो. तो अब 2 साल से कोई आंकड़े ही नहीं है. और कन्विक्शन रेट जो है, सजा मिलने का जो रेट है, 20-25% से ज़्यादा नहीं है. तो 75% गुनहगार छूट ही जाते हैं. तो हमारा हमेशा ये कहना है कि जो बलात्कार या जो हिंसा का मामला है वो टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो और उस लड़की को संरक्षण दिया जाए, जो विटनेसेस है उनको संरक्षण दिया जाए. आज भी आप देखिए कथुआ के अंदर किस तरह से माहौल बना. आज वो गुनहगार के पक्ष में 70-72 साल आज़ादी के बाद हमारा मुल्क इस कगार पे खड़ा है कि लोग बलात्कार का संरक्षण के लिए आज मजहब के नाम पर रास्ते पे आ रहे हैं. ये कैसा देश हमारा बन गया है, सवाल उठाना पड़ेगा इसके ऊपर. उन्नाव के अंदर लोग गुनहगार का संरक्षण करने के लिए रास्ते पे आ रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा. दूसरी बात, जो पीड़ित है उनको कितनी धमकियाँ दी जाती है. आप देखिए आसाराम बापू के केस के अंदर कितने विटनेसेस को मार दिया गया. अभी बहुत अच्छा कोर्ट ने उसके बारे में जजमेंट दिया है, लेकिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ना उस परिवार को. कितनी धमकियां दी गई, जान से मार डालने की धमकियां दी गई. तो जो विटनेस है उनका भी तो संरक्षण होना चाहिए. तो माहौल पूरा जो बन रहा है वो औरतों के खिलाफ बन रहा है. ये थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन का जो हुआ अभी रिपोर्ट आया, वो पूरे रिपोर्ट से शायद बहुत सारे लोग हम सहमत नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है कि हमारा जो कहना है कि हिंसा बढ़ रही है भारत के अंदर, वो उसको समर्थन देता है ये रिपोर्ट. तो ये सभी चीज़ों को लेकर बीजेपी की सरकार ने तो कुछ पहलकदमी किया नहीं है. और अभी इंडिपेंडेंस डे के जो भाषण हुए हमारे प्रधानमंत्री का, बहुत सारे वायदे किए, बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन हिंसा के बारे में एक शब्द उन्होंने कहा नहीं. मतलब प्राइम मिनिस्टर या जो मंत्री है ये जब चुप रहते हैं तो ये इनडायरेक्ट संदेशा भेजते हैं उन क्रिमिनल्स को कि आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ में हैं. तो ये है बात जिसके खिलाफ आम लोगों को एक साथ में मिलके आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा फिर इस देश के अंदर. और जो आपने बाकी मांगे बताई जैसे बेरोजगारी और किसानों की बातें, तो जब हम यही कुछ अहम मुद्दे हैं जो उठाए जाते हैं जो 4 साल मोदी सरकार की बात करते, तो ये कई परेशानियां, जो सबसे बड़ी परेशानी है किसानों की बात हो गई, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, फिर जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा हुई, इस पे भी औरतों पे जो असर होता है वो कुछ अलग होता है, पर वो उसकी बात कई बार नहीं की जाती है जी, ढंग से उस बारे में बात नहीं की जाती है. तो उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखो किसानों की बात है, अभी जो आप
देख रहे हैं किसानों की आत्महत्या ये गए पिछले 4 सालों के अंदर 42% से बढ़ गई है. अब उनके उनके उपज को दाम नहीं मिल रहा है. अब इसका असर औरतों के ऊपर कैसे होता है? आप जानते हो जमीन जमीन का जो अधिकार है आज भी खेती की जमीन औरतों के नाम पर नहीं होती है. कानून कुछ हद तक बन गया लेकिन जमीन तो होती नहीं नाम पर. तो जिस परिवार के अंदर आत्महत्या होती है उस औरत को तो कोई कॉम्पेंसेशन मिलता नहीं क्योंकि उसको किसान की तरह देखा ही नहीं जाता. जब हम किसान की बात करते हैं तो आम तौर पे एक पुरुष किसान ही नज़र में आता है. औरतों को वो किसान सबसे ज़्यादा खेती में काम करने वाली औरतें होती हैं. और आप देखो रूरल एरियाज़ के अंदर जो भी रोज़गार है उसमें 80% रोजगार वो खेती व्यवसाय में है और उसमें भी सबसे ज्यादा औरतें हैं. आप दूध के धंधे में देखिए दूध के बिजनेस में सबसे ज्यादा वहां पर जो बोलते हैं अनपेड लेबर जो होता है वो औरतों का ही होता है. फिर वो जो स्टेबल है वो गाय का जो है वो साफ करना गोबर उठाना पानी देना चारा देना दूध निकालना ये सब औरतें करती है. लेकिन एक्चुअल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होता है वो होता है पुरुष के नाम पर. तो उन्हीं को देखा जाता है. उनका जो लेबर है वो गिना ही नहीं जा रहा है. तो एग्रेरियन साइड के ऊपर क्योंकि वो टोटली डिसइन्वेस्टेड है कोई भी प्रॉपर्टी के नाम उसके नाम नहीं है होने की वजह से तो उसको उस तरह से कोई फ़ायदा होता नहीं है. और रूरल एरियाज़ के अंदर अभी आप ये लोन्स की जो बात है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है हम कहते हैं उनको 4% पे कर्जा मिलना चाहिए. कर्जा नहीं मिल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बना रहे हैं उनके लिए कोई मार्केट नहीं है. तो इसलिए ग्रामीण एरिया में बड़े पैमाने पे औरतें जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनके ट्रैप में उनके जाल में ढकेली जा रही है. औरतें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेने के बाद आत्महत्या भी कर रही है. पर उसकी बात हम नहीं देख रहे. उनकी बात कभी भी बाहर नहीं आ रही है. पानी का जो सवाल है आज जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो अधिकार गांव के लोगों का होना चाहिए वो छीन रहा है. पानी के ऊपर आप देखिए जंगल के ऊपर आदिवासी एरियाज के अंदर अब इनसे सबसे नज़दीक ताल्लुक किसका होता है? औरतों का होता है. जंगल में कौन जाती है लकड़ियां जमा करने के लिए? औरतें जाती है. जब जंगल छूट जाता है तो उस औरत को ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है लंबा जाना पड़ता है लकड़ियाँ जमा करने के लिए. फिर पानी जब लंबा हो जाता है ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है. आज बहुत सारी जगह पर नवंबर दिसंबर के बाद पानी सूख जाता है. घर में पूरा पानी भरने का काम औरत करती है. तो आज उसको ज़्यादा चलना पड़ता है. पहले आधा घंटा चलती थी तो अब 2 घंटा चलना पड़ रहा है. उसका लेबर बढ़ गया. आप देखिए प्राइवेट जब पूरी हेल्थ व्यवस्था प्राइवेट हो जाती है तो घर पर देखभाल करने की जिम्मेदारी औरत पे आ जाती है. तो बीमार आदमी को जो हॉस्पिटल में रहना चाहिए जिस वहाँ पे उसकी देखभाल होनी चाहिए वो छूट जाता है. वो आता है उस घर की औरत के ऊपर. तो आम तौर पे औरत की का जो श्रम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. महंगाई का असर उसी तरह से औरत घर में सबसे लास्ट सबसे अंत में खाना खाती है तो जो बचा कुचा होता है वो ही मिलता है. इसीलिए तो आज भी 80% औरतों के आंग में बोलते हैं एनीमिक है खून नहीं है डॉक्टर कहते हैं. क्यों है हमारे मुल्क के अंदर हमारी औरतों के बदन में खून की कमी क्यों है आज भी? तो इस तरह से फिर कास्ट और कम्युनल का जो माहौल होता है समाज के अंदर उस कौम के या उस कम्युनिटी के जो इज्जत का सवाल आता है वो उस कम्युनिटी की औरत को टारगेट करते हैं वो लोग. आप देखिए कोई दलितों के ऊपर दलितों को या कोई मुसलमानों को या कोई पीड़ित जाति है पिछड़ी जाति है उनकी उनके समाज को सबक सिखाना है तो उनकी औरतों पे बलात्कार करो. तो वो जो एक लिंग के नाते जेंडर और कास्ट और रिलीजन ये सभी नातों से फिर वो पीड़ित होती है. औरतों पे डबल बर्डन पड़ जाता है. डबल बर्डन पड़ जाता है. अब ऑनर किलिंग्स की अब बात देख लीजिए. औरतों को अपना पार्टनर अपना जिंदगी का साथीदार चुनने का अधिकार नहीं है. वो कैसे चुन सकती है? इस तरह का जो माहौल बन रहा है पूरा जो
रूढ़ीवादी सरंजामी जो पूरी पिछड़ी ये जो आरएसएस की सोच है, मनुस्मृति की सोच है, वो ज़्यादा मजबूत हो रही है. क्योंकि एक ज़माने में ये ऑनर किलिंग्स कुछ ही इलाकों में होता था हमारे देश में. आप देखिए आज हर राज्य के अंदर ये बात उठ रही है. मतलब हम पीछे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोच में और अधिकारों को नकारने में वो पीछे जा रहा है. वो हिंदू राष्ट्र की भी जो बात होती है उससे भी इस सब चीजों पे और हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही, हिंदू राष्ट्र के अंदर तो औरतों के कोई अधिकार होंगे ये किसी के मन में अगर होगा तो बड़ा भ्रम है. क्योंकि मनुस्मृति के अंदर तो औरतों को बराबर का माना ही नहीं जाता है. औरतों का कर्तव्य, आप देखिए आरएसएस के सभी नेताओं का बयान देख लीजिए कि जो बाहर काम करने जाती है उस औरत के चरित्र के ऊपर वो उंगली उठाते हैं. हजारों हजारों लाखों औरतें जो मजदूरी करती है, अपना घर चलाती है, उन सभी औरतों के ऊपर ये एक अपमान की बात है ये आरएसएस के नेताओं की बयान. तो औरतें तो ये नहीं सहन करेगी. दूसरी बात कहते बराबरी का हो ही नहीं सकता है क्योंकि औरत ये दुय्यम है. औरतों को बराबर का अधिकार, मतलब प्रॉपर्टी जो राइट्स हम कहते के बराबर का होना चाहिए, ये कतई नहीं होना चाहिए. औरत का काम है बच्चे पैदा करना और बच्चों से ज्यादा लड़के पैदा करना. तो इसीलिए तो वो शिव पार्वती और उसके दो लड़के ये उदाहरण देते हैं ना हमेशा ये लोग कि लड़कों को जो औरत जन्म नहीं देती तो उसकी जिंदगी सफल नहीं हुई. तो इस तरह की जो सोच है वो ज्यादा मजबूत हो रही है क्योंकि अभी ये मॉरल पुलिसिंग ये अल्टरनेटिव सिस्टम बन रहा है. जो कुछ गुंडे लोग अपनी टोलियां बनाकर घूम रहे हैं, एक लड़का लड़की बैठे देखे उन्होंने तो उनके ऊपर शुरू हो गए मारपीट करना. यहाँ हद तक हुआ था कुछ महीनों पहले कि वो ओरिसा के अंदर उस लड़की के कपड़े निकाल कर उसका वीडियो बनाना, ये भी उन्होंने किया था. मतलब उनकी हिम्मत कैसे होती है, कोई कानून जैसी चीज है कि नहीं हमारे देश के अंदर. लेकिन ये डर नहीं रहे क्योंकि ये जानते हैं कि आज ये हिंदू राष्ट्र की जो सोच है उस सोच के अंदर उनको खुलेआम ये आजादी है कि आप ये सब बातें कर सकते हो. तो जो औरत हमारी नहीं सुनेगी उनके ऊपर हिंसा होगी ही होगी, ये बात ये लोग करते हैं. तो ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना औरतें कतई मंजूर नहीं करेगी, इसलिए भी औरतें लड़ रही है और 4 सितंबर को वो बड़े पैमाने पे आएगी. और एक और बात अगर हम करें सरकार की योजनाओं की, अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास है स्वच्छ भारत अभियान है, उज्ज्वल योजना है, इसके ऊपर मतलब बहुत पब्लिसिटी की जाती है, न्यूज़ में बातें आती हैं, अखबारों में छपता है, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई मुश्किलें हैं, कई असफलताएं देखी गई हैं और इसके फायदे भी नहीं पहुंचे हैं सबके पास. तो इस बात पे औरतों का आज क्या कहना है, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? मैं उस बात पे आने के पहले एक और बात मैं खाली यहाँ पे जोड़ दूँ. ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, अभी अभी आप जानते हो कि ये अपने आयुष के वाइस चांसलर जो थे बलदेव कुमार धीमन जी, उन्होंने आयुर्वेद के अंदर लड़के पैदा करने की जो तकनीक है वो किस तरह से दी गई है वो बातें कही. इसका अभी एक वाइस चांसलर ये बात, मतलब PCPNDT जो कानून है उस कानून का ही उल्लंघन किया. तो एडवा ने हरियाणा के अंदर काफ़ी बड़ा आंदोलन किया हमारी संगठन ने और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी. लेकिन हमारा कहना है माफ़ी मांगने से तो काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कुछ न कुछ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. अभी वो महाराष्ट्र के अंदर वो जो भिड़े गुरुजी है उन्होंने क्या कहा, उनके जो खेत के आम है वो अगर आम खाओगे तो आपको लड़के पैदा होगे. अब ये भी तो PCPNDT का उल्लंघन है. तो जो लड़का, औरतों का दुय्यम दर्जा, ये सभी चीज़ जो है ना ये अलग अलग तरह से उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है. अभी आप ये जो वो स्वच्छ भारत अभियान और उज्ज्वला गैस और जनधन, ये सब योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री के फेवरेट योजनाएं रही है.
अब स्वच्छ भारत के अंदर ये वो जो पैसा खर्चा किए हैं उनके अंदर एक्चुअली आप देखिए तो बजट में उन्होंने कटौती की है. जो पीने का पानी जो देना चाहिए, स्वच्छ भारत मतलब सिर्फ गंदगी नहीं ना, पानी भी तो स्वच्छ होना चाहिए, वो भी आ रहा था ये नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के अंदर. तो 36% उसमें कटौती हुई है. आज स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम जो कहते थे कि अभी जैसे शहरों के अंदर स्पेशली वो जो स्लम एरियाज़ वगैरह है वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय है उसको आप ठीक करिए, उसको साफ सफाई के लिए कुछ दे, वहाँ पे पानी का कोई बंदोबस्त करे. उसके लिए तो बिल्कुल पहलकदमी नहीं हो रही है. हर घर में टॉयलेट होना चाहिए. अब शहरी इलाकों के अंदर आप देखें घरों को, जैसे बम्बई में है या पूना या सोलापुर या औरंगाबाद, शहरी इलाकों के अंदर या दिल्ली में भी आप देखें झुग्गी झोपड़ियों के अंदर कहाँ पर होती है जगह हर घर के अंदर टॉयलेट्स बनाने के लिए. तो सार्वजनिक टॉयलेट्स जो है उसको ठीक करिए, उसके बारे में वो नहीं करेंगे पहलकदमी. ग्रामीण इलाकों के अंदर जिस तरह से ये स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कुछ कुछ जगह कि ये ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस है जी. लेकिन बाद में ये पता चला है कि एक्चुअली इसमें से बहुत सारे टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं हो पा रहे क्योंकि पानी ही नहीं है वहाँ पर. अब उन औरत को वैसे भी घर के लिए पानी भरना कितनी मुसीबत हो रही है. अब ये टॉयलेट्स के लिए भी भरेगी, टॉयलेट्स को तो बिना पानी आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो. तो ये व्यवस्था करनी चाहिए. आपने टॉयलेट कितनी सारी जगह पर उन्होंने कहा है आप टॉयलेट्स बनाइए हम आपको पैसा देंगे. कितने लोगों को उसके पैसे ही नहीं मिले हैं. तो उसका भी कर्जा उन लोगों के सिरों पे है. और अब टॉयलेट को और इलेक्शन को जोड़ दिया है. टॉयलेट नहीं होगा तो आप इलेक्शन पे खड़ा नहीं रह सकते हो. ये बात उन्होंने कह दी. तो ये इस तरह का जैसे पूरे स्कीम को अपने सिर पे खड़ा कर देना, उस तरह से ये पूरा ये अभी ये स्कीम भी जो है ना स्वच्छ भारत अभियान की 2018-19 के अंदर बजट के अंदर एक्चुअली 1400 करोड़ से कम कर दिया है. बजट बढ़ाने के बजाय कम कर दिया है. मतलब जहाँ पर आप बोल रहे हो ये स्कीम है स्वच्छ भारत, ये इंटरनेशनली आप दिखाना चाहते हो, लेकिन असली में आपके पास कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल विल नहीं है जहाँ पर लोगों को आप राहत दे सको. ये पूरा मैनुअल स्कैवेंजिंग जो आज भी होता है उसके बारे में भी कहाँ पे आपने कोई अल्टरनेटिव जॉब्स या अल्टरनेटिव कुछ चीज़ें लोगों को देनी चाहिए, पर्याय काम देना चाहिए, वो नहीं है स्कीम आपके पास. आप बोल रहे हो ख़त्म करना चाहिए लेकिन है ही नहीं आपके पास. दूसरा, जिस तरह से ये स्वच्छ भारत अभियान उसकी अमल हो रही है, आप देखो पौंडीचेरी के अंदर वहाँ की गवर्नर किरण बेदी कह रही है कि अगर कोई जाके खुले में शौच करेगा तो उसको राशन नहीं दिया जाएगा जी. अनाज नहीं दिया जाएगा जी. कहीं पे टॉयलेट की फैसिलिटी है नहीं तो औरतें या कोई जाता है खुले में तो वहाँ पर वो जो टोलियाँ घूम रही है फिर वो सीटी बजाते हैं, फोटो निकालते हैं, कितना अपमानित करते हैं लोगों को. इस तरह से नहीं हो सकता है कोई किसी मतलब पूरा जो ना लोगों को अपमान करना, लोगों से नफरत करना, ये माहौल कल्चर ऑफ हेट्रेड, कल्चर ऑफ ह्यूमिलिएशन, उससे सरकार चलाना, ये जो माहौल है ये माहौल बहुत बढ़ गया है बीजेपी आने के बाद. अब ये उज्ज्वला गैस आप देखिए हर एक पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री के, और वहाँ पे एक बेचारी औरत भी दिखाई गई है जो बहुत सुखी है, बहुत अच्छी है. अब ये कह रही है फ्री, एक्चुअली में फ्री नहीं है क्योंकि उनको पहले जो स्टोव और एक गैस कनेक्शन दिया जाता है उसका जो पैसा है वो पैसा सरकार जिस लोगों को सब्सिडी देती है गैस का 250-300 रुपया जो भी सब्सिडी आएंगी उनकी अकाउंट में तो वो सब्सिडी उन्हें मिलेगी नहीं. अच्छा। वो गैस कंपनी को जाएगी और फिर गैस कंपनी आ गई और वो पैसा वसूल किया जाएगा जो पहले दिया गया है फर्स्ट
टाइम जो दिया गया वो स्टोव और कनेक्शन, उसका पैसा इस सब्सिडी से वसूल किया जाएगा, और हमें जो जो औरत को दिया गया है उज्ज्वला गैस, उसको गैस गैस तो लास्ट नहीं होगा, खत्म होगा, तो उसको रिफिल लेना पड़ेगा, वो रिफिल वो ले रही है 850-900 रुपए में, उसमें मतलब सब्सिडी कुछ सब्सिडी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सब्सिडी जा रही गैस कंपनी को, उसके पहले जो गैस कंपनी ने खर्चा किया है वो वसूल करने के लिए, तो ये फ्री कहाँ से हुआ, मतलब इस तरह से। और इसलिए आज 85% उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी थे वो सब के सब अभी चल फिर से चल गए हैं अपनी लकड़ी और वो गोबर के जो वो छाने होते हैं उनके उस वो वापस चले गए हैं, क्योंकि 850-900 रुपए कहाँ पे वो गैस में इस्तेमाल करेंगे, वो है ही नहीं पैसा उनके पास। तो दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि हमने दे दिया, ये जो जुमलाबाजी होती है जनधन की, देखिए आप पहले जनधन का उन्होंने कहा जीरो पैसे से अकाउंट खोलना, फिर कहा कि नहीं आपको 100 रुपया या 500 रुपया भरना पड़ेगा, और अभी अभी कुछ महीने पहले से सभी बैंकों ने शुरू किया कि आपको उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, और वो है 3000। अब 3000 रुपये मजदूरी करने वाला रोज का मजदूरी करता है, रोज बेचारी अपना घर का चूल्हा जलाती है, वो कहाँ से 3000 रुपये डालेगी। तो बहुत सारी जगह पे हमें ये पता चला है कि वो खाते बंद किए गए हैं और वो पैसे गए, मतलब जिसके 100 रुपये थे, जिसके 200 रुपये थे अंदर, वो गए पैसे, खाते ही बंद कर दिए बैंक वालों ने, और अभी उनके खातों में बहुत ही कम पैसा है। अभी नियरली 70% ऐसे खाते थे जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं था, और इन्होंने कहा था जनधन खोलने वालों को मिलेगा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स, हाँ, लेकिन आज तक सिर्फ 4500 लाभार्थी को ही ये क्लेम्स दिए गए हैं, इतने लाखों के अकाउंट्स खोले। तो ये सब जो है ना, एक एक प्रकार का माहौल ऐसे तैयार करना, जैसे 70 साल में हमारी आज़ादी में हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ये मोदी आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, उसके बाद ही सब कुछ हिलने लगा इस देश के अंदर। ये जो जुमलाबाजी उनकी चल रही है ये, और वो तो खुलेआम बोल भी गए ना, वो काले पैसे का 15 लाख का वायदा, वो तो जुमला था, अब कुछ जुमले तो अभी इसी तरह से चल रहे हैं। तो ये सब झूठी बातें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और लोग पहचानने लगे हैं, जिसको लोग पहचानने लगे हैं, इसीलिए तो वो ज़्यादातर ये पूरा जो धर्म और मज़हब का और जो माहौल और ज़्यादा इंस्टिगेट कर रहे हैं, और हिंसा जो बढ़ रही है, ये सभी चीज़ इस तरह से जुड़ा हुआ है। और कोई पहलकदमी अभी बिहार में आप देखें, मुजफ्फरपुर में, यूपी में देखिए आप, जहाँ पे आधार ग्रह है, जहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए, उस बच्चियों के ऊपर किस बेरहमी से, और कौन जुड़ा है उसके अंदर, जो आज सत्ता में बैठे हैं वही तो जुड़े हुए हैं, वही तो संरक्षण दे रहे, उन्हीं के नुमाइंदे हैं। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी करप्ट है, ये चल नहीं सकता है हमारे देश के अंदर। तो आखिर में आपसे हम यही पूछेंगे कि अब आप कह रहे हैं कि ये बातें सामने आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो एडवा अब क्या कर रहे हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, आप क्या काम कर रहे हैं अपनी रैली के लिए कि औरतें आएं और इस संघर्ष का हिस्सा बने? हमारे पूरे सभी राज्यों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे प्रचार चल रहा है, गली गली बस्ती बस्तियों में गाँव गाँव के अंदर औरतें घूम रही है, मीटिंगें ले रही है, प्रचार कर रही है, औरतों को समझा रही है, और जहाँ जहाँ पीड़ित है, क्योंकि काफ़ी पीड़ित लोग भी आएंगे हमारी इस रैली के अंदर अपनी बात रखने के लिए, जैसे पश्चिम बंगाल में जो पंचायत समिति इलेक्शन के टाइम पर जो हिंसा हुई थी और उस हिंसा से पीड़ित जो औरतें हैं, फिर जो आसाराम के जो जो पीड़ित थे उनके पिताजी को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था जो हमारी संगठन ने लीड किया था, और वहाँ पे वो हेडमास्टर था जिन्होंने बलात्कार किया था, और अल्टीमेटली उसको
55 ईयर्स की सज़ा हुई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ से औरतें भी आने वाली है। तो अलग अलग जगह से जहाँ पे दलित हिंसा हुई है, जहाँ पर इज्जत के नाम पर हत्याएं हुई है, तो ये आके अपनी बातें रखेंगी। और हर एक स्टेट के अंदर एडवा काफ़ी पहलकदमी कर रही है और औरतों को बहुत बड़े पैमाने पे रास्ते पे उतार रही है, लेकिन ये पूरे मुल्क के अंदर ये आवाज़ उठनी चाहिए, इसलिए हम दिल्ली में ये रैली 4 तारीख को करने जा रहे हैं। शुक्रिया मरियम आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और न्यूज़ क्लिक देखने के लिए आपका धन्यवाद।